गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। आज आपको हम क्लास 10th की बायोलॉजी का जो आगे वाला टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो है, वो आज आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं, यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि आप लोग अपने यूट्यूब की मोबाइल्स में जाइए, वहाँ पर यूट्यूब के ऐप्स पे, उस पर लिखिए रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जैसे ही आप लिखेंगे वहां पे हमारी पिक्चर्स आपको मिलेगी, और उसके बाद आप नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे प्रेस करेंगे तो आपको एक बेल दिखाई देगी, उस बेल पे आप ऑल कर लीजिएगा, तो आपको हमारे सारे जितने भी आपके हाई स्कूल के बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के या 10th की 12th की बायोलॉजी केमिस्ट्री के आपके वीडियोज हैं, वो आपको सब मिलते रहेंगे, और उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कौन वीडियो कब आया है क्या। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, आपको बहुत अच्छा है, यहाँ पे आज हम बात करते हैं पाचक ग्रंथ की। देखिए अभी तक हम क्या कर रखे हैं, आहार नाल की संरचना पढ़ रखे हैं। आहार नाल की संरचना आप लोगों ने बनाया होगा डायग्राम, और उसे एक बार दो बार रिपीट भी किया होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ, तभी आपको ज़्यादा बातें समझ में आएंगी, आपको बता रहा हूँ, इसीलिए आप आनंद से पढ़िए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पाचक ग्रंथ। जब हम पाचन चैप्टर पढ़ ही रहे थे तो वहां पे पाचक ग्रंथ की का मतलब आ जाता है। पाचक ग्रंथ की तो बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम ये जाने ग्रंथि किसे कहते हैं। ग्रंथि को अगर सीधा सीधा सा कोई एकदम आम भाषा में समझता है तो गांठ जैसे कह सकते हो, गांठ सदृश नोड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन हम यहाँ पे जो आपको ग्रंथि की, सबसे पहले आपको ग्रंथि की ही परिभाषा बता रहे हैं कि ग्रंथि कहते किसे हैं, ग्लैंड कहते किसे हैं। तो इसको अगर आप डिफाइन करोगे तो सबसे पहले ग्लैंड की डिफिनेशन अगर हम आपको बताएं तो वह पेशीय संरचना, ध्यान दीजिएगा, वह पेशीय संरचना जिससे तरल पदार्थों का क्या होता है, श्रावण होता है। वह पेशीय संरचना जिससे तरल पदार्थों का क्या होता है, श्रावण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। The muscular structure which are produced to liquid material is also called a gland. These muscular structure which are produced to a liquid material is also called a gland. मतलब कि अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखें, आप देखिए पाचक ग्रंथ की मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, वह इसकी डिफिनेशन लिख रहा हूं, वह पेशीय संरचना जो तरल पदार्थों का, अब तरल पदार्थ में दो ही होते हैं, एक हार्मोन होता है, एक एंजाइम, ये आप ध्यान दीजिएगा, तरल पदार्थों ब्रैकेट में एंजाइम्स या अथवा चाहे कर दीजिए एंजाइम अथवा हार्मोन का, बात को ध्यान दीजिएगा, एंजाइम अथवा हार्मोन का श्रावण करती है, वह पेशी संरचना जो तरल पदार्थों, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, एंजाइम अथवा हार्मोन का श्रावण करती है, ग्रंथि कहलाती है। ये जान लीजिएगा। अब पाचक ग्रंथि का मतलब क्या होगा, तो इसकी डिफिनेशन नीचे मैं लिख रहा हूं, वे ग्रंथियां या वह ग्रंथि जो पाचक रसों का, वह ग्रंथि जो पाचक रसों का श्रावण करती है, वह ग्रंथि जो पाचक रसों का श्रावण करती है, पाचक ग्रंथि कहलाती है। ये आज आपको मेरे हिसाब से पार्ट पांचवा है बायोलॉजी। वह ग्रंथि जो पाचक रसों का क्या करती है, श्रावण करती है, कौन सी ग्रंथि कहलाती है, पाचक ग्रंथि कहलाती है, ये बात ध्यान दीजिएगा।
और वैसे ही अगर हम ग्लैंड्स की बात करेंगे तो ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं, एक होती है वायुस्रावी ग्रंथि, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है मिश्रित ग्रंथि। वायुस्रावी ग्रंथियों से केवल आपका एंजाइम स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का श्रावण होता है, अभी आपको मिलेगा आगे चल करके पढ़ने के लिए, और एक होती है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि ऐसी होती है जिनसे हार्मोन भी निकलता है और क्या निकलता है, एंजाइम। और मिश्रित ग्रंथि में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपकी अग्रन्याशय है, तो उसकी हम बात वहां पे करेंगे ही मान लीजिएगा, लेकिन अभी हम यहाँ बता रहे हैं कि अभी की वह ग्रंथि जो पाचक रसों का श्रावण करती है उसे पाचक ग्रंथि कहते हैं। और मनुष्य में जो पाई जाने वाली प्रमुख पाचक ग्रंथियां हैं, मनुष्य में पाई जाने वाली प्रमुख पाचक ग्रंथियां निम्न है। अब जो मनुष्य में पाई जाने वाली प्रमुख पाचक ग्रंथियां हैं उसमें आपकी कौन कौन सी हैं, तो नंबर एक है यकृत, ऐसे साइड में यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी कहते हैं, इसका एक नाम और है जिगर, पढ़े होंगे आप लोग मेरे जिगर के टुकड़े, यकृत जिगर, एक आम भाषा में इसको कुछ लोग कलेजा भी कहते हैं, तो ये है आपका। दूसरी जो पाचक ग्रंथि है उसको हम लोग कहा करते हैं अग्न्याशय, दूसरी जो पाचक ग्रंथि है उसका नाम क्या है, अग्न्याशय। और अगर हम तीसरी ग्रंथि की बात करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं लार ग्रंथियां, और लार ग्रंथि के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। और जब हम अग्न्याशय लिखते हैं थोड़ा चीज और लिखते हैं, अग्न्याशय ऐसे लगा करके फिर यहां लिख देते हैं, एक अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि, तब इसका अच्छा नाम लगता है, ताकि कभी कोई आपसे पूछे कि अग्न्याशय कैसी ग्रंथि है तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि अग्न्याशय ये कैसी ग्रंथि है, एक मिश्रित ग्रंथि है। तो मनुष्य में कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो तीन है, पहली आपकी कौन सी है भैया यकृत, दूसरी कौन सी है अग्न्याशय, या फिर इसी को आप कह सकते हो अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि, और तीसरी आपकी कौन सी है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों के बारे में मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि मनुष्य में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, अधोजीवा अधोभनु और कर्णमूल। जो बच्चे पहले का वीडियो पढ़े होंगे देखे होंगे उनको ये बात समझ में आई होगी कि तीन जोड़ी मनुष्य में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और आज के हम इस वीडियो में आपको यकृत और किसके बारे में बताएंगे, अग्न्याशय के बारे में मुख्य रूप से बताएंगे। तो इसको आप उसी के आगे नोट्स में ऐसे विधिवत लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा पाचक ग्रंथि, और फिर ये आपका पूरा टॉपिक जैसे मैंने लिखवा दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, वह पेशी संरचना जिससे तरल पदार्थों ब्रैकेट में एंजाइम अथवा हार्मोन का श्रावण होता है उसे ग्रंथि कहते हैं, और वह ग्रंथि जो पाचक रसों का श्रावण करती है। काफी बच्चे सोचते हो कि पाचक रस क्या है, ऐसा रस जो क्या होता है पाचन की क्रिया में सहायक होता है। These are juices which are help into the digestion is called digestive juices। तो ऐसा पाचक पाचक रस का श्रावण करते उसे पाचक ग्रंथियां कहते हैं। और मनुष्य में पाई जाने वाली प्रमुख पाचक ग्रंथियां क्या है, निम्न है, जिसमें से पहली पाचक ग्रंथि क्या है लीवर है, और दूसरी आपकी क्या है अग्न्याशय है, और तीसरी क्या है आपकी लार ग्रंथि है। और अब हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, यकृत के बारे में पढ़ेंगे, या बीच में हेडिंग लगाइएगा आप लोग यकृत। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, कुछ चीजें आपको नहीं समझ पा रही, तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप शाम के टाइम पे फोन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये आप ये नंबर पे देख लीजिए, इस पे आप फोन कर सकते हैं। अब हम सबसे पहली चीज हम बात करेंगे यकृत की, नंबर एक यहाँ पे हेडिंग लिखिए। अब सबसे पहले अगर हम लीवर की बात करें भैया, तो यकृत जो हुआ करता है, अगर इसकी बात करो तो ये सबसे पहले बताइए कि यह हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। लीवर जान लीजिएगा, जितनी भी पाचक ग्रंथियां होती हैं उनमें से सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि आपकी यकृत होती है, और यह हमारे डायाफ्राम में दाहिनी
बाई तरफ नहीं होती। अगर आपने जब डायग्राम बनाया तो इसी तरफ देखा था आपने, डायफ्राम में दाई तरफ कहां ग्रहणी के ऊपर स्थित होती है, ये जान लीजिएगा। यकृत हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है और जिसका वजन जो हुआ करता है लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, 1.5 kg होता है, और ये हल्के चॉकलेटी रंग का हुआ करता है, यकृत जान लीजिएगा। और ये डायफ्राम में दाहिनी तरफ क्या होता है, आपके ग्रहणी में या उदर गुहा में स्थित होता है, और यकृत का रंग हल्का चॉकलेटी हुआ करता है। इतनी चीज मैंने यकृत के बारे में आपको बता दिया। यकृत का निर्माण जो हुआ करता है दो छोटे छोटे पिंडकों से हुआ करता है, एक दायां पिंडक होता है और एक क्या होता है बायां पिंडक। वैसे डायग्राम आपके यहाँ किताबों में है नहीं, लेकिन आपको बता दें अगर आप देखना चाहते हो तो इसका कुछ इस तरीके से डायग्राम आपको किताबों में देखने को मिलता है। ये इस तरीके से ये आपका क्या हुआ करता है, लीवर हुआ करता है। ये आपको देखिए, ये इस तरीके से यही इसका लीवर का इमेज हुआ करता है, यहीं से आपकी ग्रंथि होती है। तो इसमें दो पिंडक होते हैं, ये जो आपका लीवर का ये डायग्राम मैंने बना दिया है, अगर आपकी किताबों में होगा तो आप देख लीजिएगा, इसको खींच लीजिएगा, नहीं तो ये इंटरमीडिएट में तो वहां खिंचवाया जाता है। इस तरीके से ये दो पिंडकों में क्या हुआ करता है, ये बटा होता है। और यहां से आप देखिए ये इसका दायां और एक आपका बायां, दो पिंडक होते हैं। इन्हीं दोनों पिंडकों के बीच में अंदर ऐसे आप देखेंगे ऐसे, तो एक क्या हुआ करता है इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा ऐसे, भाई इंटरनल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ करता है, एक गुब्बारे जैसा क्या होता है भाप पाया जाता है, और इसके गुब्बारे जैसे भाप को ही हम लोग क्या कह देते हैं, पित्ताशय। क्या कहते हैं इसको, पित्ताशय कहा किया करते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है ये कौन सी संरचना है, ग्रहणी। कौन सी संरचना है ये, ग्रहणी, जो आपका डीओडीना मैंने बताया था उस दिन, ये ग्रहणी है। और यहीं से जंक्शन से ही आपका निकल के क्या गया हुआ करता है, अग्न्याशय। तो हम इसकी अभी बात कर रहे हैं, ये दो पिंडक हो गया और यहाँ पे क्या हुआ करता है, ये देख लीजिए आपको हल्के चॉकलेटी रंग का क्या हुआ करता है आपका कलर, इसको जब मिलेगा तो भाग होता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ इसके हम नोट्स बनाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, ध्यान दीजिएगा, जिसका वजन एक स्वस्थ या वयस्क व्यक्ति में, जो लीवर होता है इसका वेट बता रहा हूं मैं, लगभग 1.5 किलोग्राम, मतलब कि 1.5 किलोग्राम इसका क्या होता है, वजन होता है। वयस्क व्यक्ति में लगभग, जिसका वजन एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 1.5 kg होता है, यह उदर गुहा मतलब पेट में, उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे, उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे स्थित हल्के चॉकलेटी रंग का कोमल अंग होता है, ये इसकी बात हो गई। तो यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है जिसका वजन एक वयस्क व्यक्ति में क्या होता है, लगभग 1.5 kg होता है। यह उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे, ये जो आपका डायाफ्राम है यहीं पे है जान लीजिएगा, इसी साइड पे होती है, और ये हल्के चॉकलेटी रंग का, जो चॉकलेट हो जैसे होता है आपका कलर का कोमल अंग होता है। और फिर एक चीज मैंने बताया था कि यकृत में दो पिंडक होते हैं, ये देख लीजिए दो पिंडक है, इसको चाहे आप लिखे चाहे ना, उतना स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछा जा सकता। इसका हाई स्कूल लेवल पे इसका जान लीजिएगा एग्जाम्पल, सॉरी जो फंक्शन है कार्य है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर यकृत में क्या होता है, ये गुब्बारे जैसा भाग पाया जाता है, और उसी गुब्बारे जैसे भाग को हम लोग पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहते हैं, कुछ लोगों को पित्ताशय की पथरी हुआ करती है,
ये भी आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी रोग होता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, उस हम आगे आपको पढ़ेंगे। यकृत में गुब्बारे सदृश एक बालून लाइक, गुब्बारे सदृश भाग को क्या कहते हैं बताओ? पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय पित्त धन आशय, मतलब जहां पर पित्त रस इकट्ठा होता है या पाया जाता है। अगर आपसे कोई कहे पित्त रस कहां पे पाया जाता है तो आप कहोगे पित्ताशय में, लेकिन अगर पित्त रस बनता कहां है तो वो बनता कहां पे है? यकृत। ये आप जान लीजिएगा, एकत्र रहता है पित्ताशय में लेकिन बनता कहां पे है? यकृत में। और एक चीज अगर आप लोग कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, तैयारी करना है, तो वो भी बता दे रहा हूं। यकृत का जो निर्माण होता है मुख्यतः कुप्फर कोशिकाओं से होता है। एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको हम लोग कुप्फर सेल्स या हिपेटिक सेल्स कहा किया करते हैं, और इसीलिए यकृत का अध्ययन जो हुआ करता है वो हिपेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात में लिख दे रहा हूं, यकृत का निर्माण कुप्फर कोशिकाओं द्वारा होता है। जो यकृत होता है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? कुप्फर कोशिकाओं द्वारा होता है। अब हम उसके बाद आपको बता रहे हैं यकृत का कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई स्कूल लेवल तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीवर का कार्य, आप जान लीजिएगा। एक तो सबसे बड़ी चीज यही है कि यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यूपी टेट में क्वेश्चन आया था, अब आप जान लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर की पाई जाने वाली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या है? लीवर है। अब हम यकृत का आपको एक एक कार्य बता रहे हैं कि लीवर का क्या क्या फंक्शन होता है। तो यकृत का पहला जो कार्य हुआ करता है भैया, वो होता है ये पित्त रस का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूसेस। ये पित्त रस का निर्माण किया करता है। उसके बाद जो दूसरा यकृत का कार्य होता है, ये विटामिन ए का संश्लेषण करता है। आप जो भोजन खा रहे हो अगर उसमें विटामिन ए नहीं है तो उस भोजन में ही जो होते हैं उसको विटामिन ए के रूप में वो बदल दे दिया करता है। ये लीवर का बहुत बड़ा काम है। इस कहावत कही गई है कि जिस व्यक्ति का लीवर अगर सही नहीं होता है उस व्यक्ति का स्वास्थ्य भी नहीं सही होता है। इसीलिए आपके लीवर को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, जान लीजिएगा, क्योंकि सारी डाइजेशन की क्रिया इसी पे ही डिपेंड किया करती है। तो पहला कार्य बताया पित्त रस का निर्माण करना, दूसरा कार्य मैंने बताया क्या? विटामिन ए का संश्लेषण करना। दो कार्य हो गया। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट कार्य बताया जाता है कि ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आप जान लीजिएगा। मनुष्य में क्या हुआ करता है, जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया निकलता है, जो यूरिन के थ्रू शरीर से पानी के रूप में बाहर निकलता है उसमें यूरिया होता है। लेकिन अगर आप जान करके ये हैरानी होगी आपको कि यूरिया बनता कहाँ पे है, तो आपके शरीर में बनता पहले अमोनिया है। लेकिन अगर अमोनिया के रूप में आप उसको शरीर से बाहर कर दिया जाए तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। इसीलिए लीवर क्या करता है, जो वो अमोनिया बना हुआ हो करता है उस अमोनिया को यूरिया में बदलता है। और इसके लिए यूरिया में एक साइकिल चलती है, उसको ऑर्निथिन चक्र कहते हैं। उस ऑर्निथिन चक्र के द्वारा क्या होता है, यूरिया को अमोनिया को यूरिया बदलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, जान लीजिएगा। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं यकृत जो होता है उत्सर्जी अंग की तरह भी कार्य करता है। ये लीवर के फंक्शन है। अगला जो हुआ करता है यकृत जो हुआ करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। अगर जो आपने भोजन ग्रहण कर रखा है उसको ये क्या में, उसमें जो ग्लूकोज होगा उसको ये क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदल दिया करता है। और अगला जो इंपॉर्टेंट कार्य बता रहा हूं कि ये भ्रूणा अवस्था में क्या किया करता है, रक्त का निर्माण करता है। यकृत और वृक्क ये दो ऐसे अंग हैं कि जैसे आप जानते हो जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो उसके शरीर में जो हड्डियां होती हैं हड्डियों के बीच में खोखला स्थान होता है, तो उस खोखले स्थान पे क्या होता है, अस्थि मज्जा पाई जाती है, तो वहां पे रक्त का निर्माण होता है। लेकिन जब व्यक्ति भ्रूणा अवस्था में रहता है तो उस समय तो आपके शरीर में बना नहीं रहा किया करता है हड्डियां, तो उस समय रक्त कहां से बनेगा? तो इसीलिए उस समय शरीर में रक्त का निर्माण यकृत और वृक्क किया करती है। तो ये सब यकृत के कार्य हैं।
और एक प्रोटीन होती है जो रक्त को थक्का बनाने में कार्य किया करती है, जिसका नाम होता है प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन। उस प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है, उन प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का भी निर्माण करने का कार्य आपका लीवर ही किया करता है, ये आप जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। और ये क्या किया करता है, आवश्यकता से अधिक भोजन को एकत्र कर लेता है। जैसे अगर आप आज भोजन कर लिए हो जाओ, उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा मटेरियल के रूप में मिल गई हैं, तो इसको ये कलेक्ट कर रखेगा, कल आपको उस चीज अगर वो चीजें नहीं मिलेगी तो आपको वो प्रोवाइड करेगा। इसीलिए तो इसको जिगर कहा गया है, ऐसे थोड़ी कहा गया है। अब मैं यहां पर इसका एक फंक्शन लिख रहा हूँ, आप फंक्शन देखिए। सबसे पहली चीज क्या करता है यह पित्त का कार्य, मैं बता रहा हूं। नंबर एक, पित्त रस का निर्माण करना या श्रावण करना, पहला हो गया। दूसरा कार्य विटामिन ए का संश्लेषण करना, दूसरा कार्य। तीसरा कार्य अमोनिया को यूरिया में बदलना, ये तीन मेन मेन फंक्शन हो गए। पित्त रस का निर्माण करना, विटामिन ए का संश्लेषण करना और अमोनिया का क्या करना, निर्माण करना, ये इसके फंक्शन हो गए। आगे फंक्शन यहां देखिए। अब चौथा कार्य मैंने आपको बताया था, वो ये बताया था भ्रूणा अवस्था में, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, भ्रूणा अवस्था में रक्त का निर्माण करना। अगला जो कार्य हुआ करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लूकोज को किसे बदलना, ग्लाइकोजन में बदलना। छठा कार्य, मैं इसलिए ज्यादा फंक्शन आपको बता रहा हूं ताकि आपका नॉलेज ज्यादा ही रहे, हमेशा कम ना रहे। और ये हम हमेशा जब पढ़ाया किया करते तो मैं आपको बार बार समझाता हूं कि बच्चों को मैं जो टॉप पर उठा करके ही बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि बच्चों को अगर इतनी बातें बताई जाएंगी तो उनको कुछ कुछ ना कुछ बातें एक्स्ट्रा मिलने को समझ में आएगी। अगला जो कार्य हुआ करता है, जो लीवर होता है, रक्त स्कंदन, मतलब जो थक्का बनता है, रक्त स्कंदन में सहायक प्रोथाम्बिन, मैं ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हूं, प्रोथाम्बिन एवं फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन एवं फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण करना, ये लीवर के सब कार्य हैं, जान लीजिएगा। अगर आप और आप लिखना चाहते हैं तो और इधर, छठा हो गया। सातवां कार्य उत्सर्जी अंग की भांति व्यवहार करना, आठवां उत्सर्जी अंग की भांति व्यवहार करना, आठवां आवश्यकता से अधिक
भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। तो ये लीवर के फंक्शन हो गए। अब आपको समझ में आ गया होगा कितना इसका इंपॉर्टेंट रोल है। विपित रस का निर्माण करना, ये सब याद कर डालिए आप लोग। विटामिन ए का संश्लेषण करना, अमोनिया को यूरिया में बदलना और निषेध चक्र द्वारा, और भ्रूण अवस्था में जब एम्ब्रियोनिक स्टेट में होता है उस समय रक्त का निर्माण करना, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, और रक्त स्कंदन में सहायक होना, रक्त स्कंदन में सहायक प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनस प्रोटीन का निर्माण करना, और एक होता है उत्सर्जी अंग की भांति व्यवहार करना, और आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। ये लीवर का इतना इंपॉर्टेंट कार्य है। अब हमको थोड़ा सा यहीं पे मजबूरी बस इस चीज को भी बता देना पड़ता है कि पित्तरस, अब काफी बच्चे सोचते होंगे कि पित्तरस कोई एंजाइम है। जी नहीं, पित्तरस केवल एक प्रकार का पाचक रस है, ये एंजाइम नहीं है। और जो हल्के पीले रंग का होता है, और जो हल्के पीले रंग का क्षारीय होता है, इसका जो पीएच मान होता है वो 7.8 के करीब होता है, लगभग 7 से ज्यादा होता है, यानी क्षारीय होता है। और यह पित्तरस जो होता है, इसके से बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है कि पित्तरस का रंग पीला क्यों होता है। तो आपको बता देते हैं कि पित्तरस में क्या होता है, बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन दो वर्णक पाए जाते हैं, इसीलिए पित्तरस का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे बता रहे हैं यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, ये बात ध्यान दीजिए। यह हल्के पीले रंग का कैसा क्षारीय द्रव होता है, या क्षारीय द्रव होता है जो यकृत द्वारा, यकृत इसको स्रावित करेगा, जो यकृत द्वारा स्रावित होता है और कहां इकट्ठा रहता है, पित्ताशय में। और पित्ताशय में ये क्या रहता है, एकत्र रहता है, ये इसकी बात है। और जो सबसे इससे रिलेटिव इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पित्तरस में ध्यान दीजिएगा, बिलीरुबिन, पित्तरस में बिलीरुबिन एवं बिलीवार्डिन दो पिगमेंट होते हैं। पित्तरस में बिलीरुबिन एवं बिलीवार्डिन नामक वर्णक पाए जाते हैं, नामक वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण पित्तरस का रंग पीला होता है। पित्तरस का रंग पीला होता है। तो मैंने आपको थोड़ा सा पित्तरस के बारे में भी बता दिया। यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जो यकृत द्वारा स्रावित होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यह कहां इकट्ठा रहता है, पित्ताशय में। कहां इकट्ठा रहता है, पित्ताशय में एकत्र रहता है। और पित्तरस में बिलीरुबिन एवं बिलीवार्डिन नामक वर्णक पाए जाते हैं, और जिसके कारण मनुष्य में क्या होता है, या जिसके कारण पित्तरस का रंग क्या होता है, पीला होता है। तो आई होप आज आपको मैंने पूरा लीवर के बारे में बता दिया, आपको आज पूरा लीवर आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसकी नोट्स बनाइए, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हाई स्कूल वाले बच्चे जान लीजिएगा, मैं अभी देख रहा हूँ कि ज़्यादा ये लोग क्या कर रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग इसकी नोट्स बना लीजिए,
और विधिवत तरीके से आप इसकी तैयारी कीजिए। और अगर हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।